धंधा नहीं है तो गत उतार दीदी कोई नहीं मारी कोई नहीं मारी कोई नहीं मारी कोई नहीं मारेगा मैं विश्वास दिला रहा हूँ कोई नहीं मारेगा पूछेंगे सिर्फ बात समझ गए तो रोए से ना छुपने वाला नहीं समझ गए दिखावा दिखा रहा है अच्छा लगता है चाहे जैसा भी तो उसमें मतलब आप लोगों को क्या आपत्ति हो रहा है आपत्ति क्यों नहीं होगा सर हिंदू धर्म से छोड़कर दूसरे दूसरे धर्म पे जा रहे हैं सर आपत्ति नहीं होगा सर ये लोग आपत्ति करते हैं चाहे किसी घर के वो करते हैं सर परिवार केवल है सर यहाँ पर नहीं है दूसरे परिवार परिवार केवल तो है सर भाग गए और अभी चार पाँच जन बोल रहा था सब विश्वकर्मा छह जन बोल रहा था कोर्ट मत बोलना बता रहा हूँ भागे कर मौका मिल रही तब ना भाग गया आपका घर है ना आप ये मेरे को बताइए कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे थे ये लोग करवा रहे थे क्या साथ में कर रहे थे धर्म परिवर्तन कर रहे थे देख लो भाई रिकॉर्डिंग करो इधर साथियों मुझे ऐसा लगता है कि आए दिन मसीह समाज के ऊपर जो घटनाएं हो रही है इन घटनाओं के होने का जो कारण है वो छत्तीसगढ़ की राज्य की सरकार ही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करता हूं कि इन दिनों में जो हमारे मसीह समाज के ऊपर और विश्वासी जनों के ऊपर और ख़ास करके हमारे मसीह समाज के पासवानों के ऊपर जो घटनाएं हो रही है कृपया करके ये घटनाओं को तत्काल रोका जाए। आज एक घटना हुई है और ये घटना इतनी गंभीर है कि ये हमारे समाज को बहुत खेदित कर रही है दुखी कर रही है और मुझे भी बहुत दुख के कारण दुखी होने के कारण ये बात को शासन प्रशासन के सामने रखना पड़ रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ के जो जिला बलरामपुर है और शंकरगढ़ की ये घटना है वहाँ पर एक पासवान को 20-25 गुंडों ने जो कि आरएसएस और बजरंग दल के हिंदू संगठन के हैं उन्होंने उन पासवान को जो कि दुआ प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे उन्हें पकड़कर बहुत मारा है और बहुत उनको नुकसान हुआ है शारीरिक और वो काफ़ी पीड़ा के साथ कर्रा रहे थे तड़प रहे थे किसी को भी दया नहीं आई और जब उन्होंने वहाँ के लोकल थाने में FIR दर्ज की तो धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाकर उल्टा उन्हीं को कोसा जा रहा है जो कि सरासर गलत है। मैं वहाँ के TI साहब से निवेदन करता हूँ जिले के बलरामपुर कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि ये है तत्काल इस पर संज्ञान लिया जाए और पासवान को न्याय मिले और ऐसे असामाजिक तत्व जो इकट्ठे होकर मसीह समाज के सीधे साधे धर्मगुरु पासवानों को मारने का काम करते हैं कृपया करके इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं आज राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन के माध्यम से शासन और प्रशासन को ये बात बताना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन कानूनी अधिकार भी है। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वह अपनी मर्जी से कर रहा है परंतु जो लोग प्रभु में आते हैं दुआएं करते हैं प्रार्थना करते हैं उन्हें ये चंद गुंडे झूठा उन पे आरोप लगाते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं शारीरिक और मानसिक जो कि सरासर गलत है। और यहाँ तक कि कई ऐसे पासवान हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में झारखंड में जेलों के अंदर डाल दिया गया है उनके परिवार परेशान हैं। पर क्या आपकी ऐसी हरकत करने से हमारे प्रभु का काम रुक जाएगा? कदापि नहीं रुकेगा। हम पूरे भारत में और तेज़ी लाएंगे सत्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए क्योंकि ये हमारी धार्मिक आज़ादी है। कृपया करके इसे कोई नहीं रोक सकता यहाँ तक कि देश का गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं रोक सकता ना ही मोदी रोक सकता है क्योंकि ये हमारा परमेश्वर की आज्ञा है और ये महान आज्ञा है ग्रेट कमीशन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप हमें प्रताड़ित या सुसमाचार को रोकने की कोशिश ना करें क्योंकि मसीह समाज इस देश में सोया हुआ हाथी है
उसे अपनी ताकत के बारे में मालूम नहीं है और आपने छेड़ 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 के उसको जगाने का काम किया है। और आज मसीह समाज जाग गया है, मसीह समाज बहुत जल्द रोड पर भी आएगा, धरना प्रदर्शन भी करेगा, इस देश की, हमारे देश की और भारतीय जनता पार्टी की छवि पूर्णतः खराब होगी, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ उन हिंदू संगठनों से भी कि वो मसीह समाज के लोगों को ना छेड़ें, क्योंकि मसीह समाज ने इस भारत देश के लिए सब कुछ दिया है और मसीह समाज में ऐसी कोई भी कुरूतियाँ या ऐसी कोई भी गलत बात नहीं है जिससे कि हमारे भारत देश के लोगों को खतरा हो। हम लोग तो सदाचारी लोग हैं, हम लोग तो सत्यवान लोग हैं और हम इस देश को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं, परंतु आप खामेखा हमारे समाज के पृष्ठ लोगों को, हमारे समाज के पुरोहित लोगों को, हमारे समाज के पासवानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं गुट गुट में जाकर, जो कि बहुत गलत है। कृपया करके ये बंद कर दें। और मैं राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन के मंच के द्वारा जो तत्कालिक बलरामपुर ज़िले में जो घटना घटी है उस घटना पर संज्ञान लेने के लिए मैं वहाँ के कलेक्टर को, SP महोदय को बोलता हूँ कि वो तत्काल इस पर संज्ञान ले और उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करे और FIR को लिखा जाए। अब ये तो जो आप हमारे मसीह समाज के साथ में जो कर रहे हैं, इससे हमें आपका चरित्र सरासर पता पड़ रहा है कि आप किस प्रकार के लोग हैं और आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। परंतु अब मैं अपने उन मसीह समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग चुप नहीं बैठें, क्योंकि आप जितना चुप बैठेंगे ये लोग उतना आपको डराएंगे। मैं मूल निवासी संगठनों से भी निवेदन करता हूँ कि मूल निवासी संगठन जो भी हमारे, जैसे कि भीम आर्मी है, हमारे बहुजन मुक्ति मोर्चा है, जितने भी संगठन हैं वो सब राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें। मसीहत को इस दुनिया में कोई मिटा नहीं पाया है, मसीहत को मिटाना नामुमकिन है। बस यह है कि आप कुछ प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, हमारे लोगों के साथ मारपीट कर सकते हैं, परंतु जिन्होंने मन परिवर्तित किया है, जो सत्य की ओर फिर गए हैं, आप उन्हें वापस भी नहीं ले जा सकते हैं। आप उन्हें परेशान कर सकते हैं, पर सत्य कुछ समय के लिए परेशान होगा पर हमेशा पराजित नहीं होगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम लोग भी वैसे ही व्यवहार जैसा कि आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं हम भी करें, क्योंकि हम मानवतावादी लोग हैं और हम इंसानियत को और मानवता को प्रथम मानते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूँ जो वहाँ का घटना घटित हुआ है, वही वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिए उसको। और इस वीडियो को साथियों बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये पूरे भारत के अंदर फैल जाए, ताकि इन असामाजिक तत्वों पर और शासन प्रशासन पर एक प्रेशर होना चाहिए, एक दमदार प्रेशर बनना चाहिए।